पोहरी अनुभाग में बीते कई सालों से जंगल काटकर कृषि भूमि में तब्दील होते जा रहे हैं। इसके चलते कई वन्य जीव जो हैं वो विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग का अमला मुस्तैद हो गया है। तो वहीं पोहरी वन परिक्षेत्राधिकारी के साथ 2 दर्जन से अधिक वन अमले की मौजूदगी में पोहरी अनुभाग के अरगरा भावखेड़ी में करीब 50 हेक्टेयर वन भूमि को मुक्त कराया गया। साथ ही वन भूमि की सुरक्षा के लिए जेसीबी से गड्ढे कराकर बाबुल के बीज रोपे गए। आपको बता दें कि पोहरी रेंज के केपीएस धाकड़ को सूचना मिली थी कि अगरगरा के स्थानीय ग्रामीण गांव से सटी वन भूमि पर पौधा रोपित कर उस पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सूचना वन विभाग का अमला पुलिस की मौजूदगी में पहुंचा और करीब 50 हेक्टेयर वन भूमि को मुक्त कराया। बीट लोखरी है रेंज पोहरी में, उसके अंतर्गत अवैध अतिक्रमण था, वन भूमि को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ कर लिया गया था, अवैध पोल वगैरह लगा दिए थे सीमेंट के, उसको हटाने की कार्रवाई हमारी DFO जो है मीना मिश्रा मैडम उनके निर्देशन में वन विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें सब डिवीज़न सीपरी के स्टाफ ने कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत सुल्तान और धर्मेंद्र अगर्रा निवासी दोनों को अभिरक्षा में लिया गया था, उन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, माननीय न्यायालय ने उनको मुक्त कर दिया है। कक्ष क्रमांक 790 में 25-30 हेक्टर वन भूमि इस अतिक्रमण से प्रभावित थी, इसमें JCB मशीन के माध्यम से गड्ढे खुदवा दिए गए, ट्रेंच खुदवा दी गई हैं और उसमें बीज बो दिया गया है ताकि वन भूमि को उसके स्वाभाविक स्वरूप में वापस लाया जा सके। इसी के तारतम्य में भावखेड़ी निवासी अजब सिंह यादव को भी अभिरक्षा में लिया गया था, उसके पास करीब 2 हेक्टर वन भूमि अतिक्रमण में थी, उसको भी प्रयास को विफल किया गया है और वहाँ भी ट्रैक्टर चला के बीज बो दिया गया है और वन भूमि को अब वन विभाग ने वापस कर लिया है।